हसन निसार अलीना साथ। मैडम शेख, मैडम शेख, मैडम शेख, हाँ, मैडम पहली शेख। बात एक मिनट, एक मिनट, मैं आती हूँ भाटी साहब, एक मिनट बात सुनो। ये अगर हो सकता है आपका ये कैमरामैन दिखा सके, हकीमुल्ला महसूद का फतवा है, ऊपर मेरी तस्वीर है, नीचे हामिद मीर की है। लाहौर पुलिस, मैं टीवी पे ये बात कर रहा हूं बिकॉज ये रिकॉर्ड पे है, दो गैंग्स पकड़े गए जिनकी मैं हिट लिस्ट पे था। अब अगर मैं उनके काबू, अब मेरे बच्चे भी जाते रहे, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, अगर मैं उनमें से किसी की गोली का निशाना बन जाता, मैंने तो अपना सांस चेंज ही नहीं किया। हीरोज की डेफिनेशन और होती है, दहशतगर्दी के निशाने से हमदर्दी हो सकती है, उसके लिए कोई उज्व अपना डोनेट किया जा सकता है। हीरोज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं कह रहा हूं दो गैंग्स, एक को इंटरोगेट राणा सनाउल्ला ने खुद किया, किंग का क्या, हिट लिस्ट पे टॉप पे इस आदमी का नाम क्यों है? तो मैं किसी की गोली का निशाना बन जाता, मैं हीरो, चूंकि स्टांस मैंने भी नहीं चेंज किया। वो हीरोज बहुत बड़ी चीज है हमारे यहां, चूंकि कैद है। ढंग की बात करें, मैंने उस बच्ची को डिफेंड किया पिछले दिनों जो अभी ये बात कर रहे थे। मैडम शेख, ये किस, पता नहीं मैं भूल गया हूं, एक मिनट यार, लेट मी कंप्लीट। वो जो बात कर रहे थे अभी ये बच्ची के बारे में, पिछले दिनों को कैंपेन चली, मैंने डिफेंड किया उसको, उससे हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, उसका इज्जत एहतराम, बट खुदा का वास्ता हीरोज अ वेरी डिफरेंट। हमारे यहां चूंकि कहते हैं हीरोज का, तो हम मैं शुरू हो जाते हैं, हीरो शीरो क्या, ठीक है, अच्छा किया उसने। एज होनी चाहिए, मतलब मैंने अभी आपको मिसालें, चलो बस मैंने बात करनी है। एक लड़की जब तालिबान के सामने खड़े होके कहती है कि मुझे पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ने। एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट भट्टी साहब, आती हूँ मैं आपके पास, शहजाद को बोलने दें। जी शहजाद, मैं कह रहा हूँ अभी मैंने आपको बताया कि उसको गोली मार के उसका सरवाइव होना कोई उस वजह से उसको हीरो नहीं कहता है, जिस कॉज के लिए वो खड़ी थी, तालिबान के सामने खड़ी थी। अगर उसको हीरो ना माने तो किसको माने? मुल्ला फजलुल्लाह को माने, एहसानुल्लाह एहसान को माने, किसको माने? जो कि बच्चियों के स्कूल तबाह कर रहे थे उनको माने? उसी को आप हीरो मानेंगे ना जो कि उनके सामने डट के खड़ी हुई थी और जिसकी कॉस्ट उसने पे की है? मैडम शेख, अब हम ये कह रहे हैं वो बाहर चली गई, हाथों में आ गई एजेंडा, भाई पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लिए बात करती है, क्या बुराई है इसमें? और किसने भेजा था बाहर, वो भी वो ठीक है। मैडम शेख, मैडम शेख, मैडम शेख जी, जब ये वाकया, जब ये हादसा, मैडम शेख, शहजाद साहब की, तो हमने शहजाद साहब की सारी बातें दुरुस्त मानता हूँ मैं, सारी बातें, लेकिन 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 हम ना फजलुल्ला को, ना हकीमुल्ला महसूद को, ना किसी को हीरो नहीं मान रहे। मलाला को हमारी शनाख्त है, बेटी है, पाकिस्तान की इज्जत है, खुशी की बात है, लेकिन खुदा के लिए हीरो की डेफिनेशन, तो हीरो क्या होता है? मैदान में रहता हीरो, मैदान में खड़ा होकर लड़ता हीरो, जान देता है या जान लेता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, खड़ा होकर जान देता है हीरो मैदान में, ये नहीं होता कि हीरो मैदान छोड़ जाए के वापस ना आए। खुदा के लिए, खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो करें यार। अच्छा, आपकी सारी बातें आप, ओके, आपके आपके ओके, जज्बात चार आंखों पर, तो मलाला रीमा से इसका जवाब लेते हैं, रीमा से इसका जवाब देते हैं, क्या हम ये कह रहे हैं यहाँ कि मलाला बच गई इसलिए वो हीरो नहीं होता?